हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? हाँ जी बच्चों, क्या हाल है आप लोगों के? सब बढ़िया? हाँ जी बढ़िया। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल दो स्टूडेंट्स हु हैव क्लियर देयर आईपीसीसी एग्जाम्स और सीए इंटर एग्जाम। बहुत बहुत मुबारकबाद आप लोगों को, जिन लोगों के भी आईपीसीसी और सीए इंटर के एग्जाम्स क्लियर हो। बट उसी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जिनका रिजल्ट नेगेटिव रहा, जो क्लियर नहीं कर पाए। डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट सीए का रिजल्ट इस बार कम आया, बहुत ही कम आया। अगर मैं आईपीसीसी की बात करूं, बहुत ही पुअर रिजल्ट। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि 29th को जो हमारा रिजल्ट आया, संडे को जो रिजल्ट आया, आईपीसीसी का बोथ ग्रुप्स का रिजल्ट ओनली एंड ओनली सिर्फ 1% रिजल्ट। फर्स्ट ग्रुप 15%, सेकंड ग्रुप 10%, और सीए इंटर का रिजल्ट अच्छा आया है, 18%, 23% फॉर फर्स्ट ग्रुप एंड आई थिंक 2-3% फॉर सेकंड ग्रुप। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम आईपीसीसी के स्टूडेंट हैं, सीए इंटर के स्टूडेंट्स हैं। हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आया, नेगेटिव आया, जस्ट बिकॉज ऑफ आवर एफर्ट्स। जहां बच्चे फेल हुए हैं, जहां 1% रिजल्ट आया है, वहां पर कोई ना कोई ऐसा बच्चा भी है जिसकी ऑल इंडिया रैंक 1 आई है। तो उसने ऐसा क्या किया जो हम नहीं कर पाए? क्या वो एलियन है वो बच्चा? जी नहीं, आप लोगों जैसा ही है। बट उसके एफर्ट्स ऐसे क्या थे, उसके एफर्ट्स में ऐसी क्या बात थी कि उसकी ऑल इंडिया रैंक 1 आ गई और हम फेल हो गए। जितना टाइम पीरियड आपको मिला पढ़ने के लिए, उतना ही टाइम पीरियड उस बच्चे को भी मिला, रैंक 1 वाले को। जो क्वेश्चन पेपर आपके आए, वही क्वेश्चन पेपर उसके भी आए। जैसी चेकिंग आप लोगों की, वैसी चेकिंग उसकी भी हुई। बट कुछ ना कुछ तो बात होगी, तभी तो उसकी ऑल इंडिया रैंक 1 आई। तो आप क्यों नहीं ला सकते ऑल इंडिया रैंक 1? बिल्कुल हम ला सकते हैं। इसके लिए हमारी कमी रहती है हमारी स्ट्रेटेजी, कि हम कैसे पढ़ रहे हैं, हमारी पढ़ने की स्ट्रेटेजी कैसी है। हमें अपनी स्ट्रेटेजी को इम्प्रोवाइज करना होगा, हमें अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करना होगा, हमें अपने पढ़ने के तरीके को चेंज करना होगा। तो वही सब कुछ बातें मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस करूंगा कि अब हमें नवंबर 18 अटेम्प्ट के लिए कैसे स्ट्रेटेजी बनानी है कि हम श्योर शॉट क्लियर कर जाए और हम चाहें तो अपनी रैंक भी लेकर आ सकते हैं। तो ऐसा हमें क्या करना पड़ेगा, वही बातें हम डिस्कस करने के लिए आज यहां पर इकट्ठे हुए। सबसे पहली चीज जो आप लोगों को करनी है, पहले तो ये देखिए भैया, आपके सीए, अगर मैं आईपीसीसी की बात करूं या सीए इंटर, दोनों के लिए मैं साथ बना रहा हूं स्ट्रेटेजी, दोनों के लिए ही एप्लीकेबल हो जाएगी स्ट्रेटेजी। आपका जो अटेम्प्ट है वो है अब नवंबर 18 अटेम्प्ट, इसको मई 19 मत कर देना। ऐसा मत करना बिल्कुल भी कि मैं नवंबर में एग्जाम नहीं दूंगा, मैं मई में एग्जाम दूंगा। नहीं, आपको देने हैं नवंबर 18 में एग्जाम। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बोथ ग्रुप्स, अटेम्प्ट बोथ ग्रुप्स, दोनों ग्रुप्स के लिए ही आपको तैयारी करनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ एक ही ग्रुप के लिए पढ़ के जा रहे हैं। जी नहीं, आपको बोथ ग्रुप्स क्लियर करने हैं, क्योंकि ये मान के चलिएगा कि ये आपका आखिरी अटेम्प्ट है, इसी में ही आपको फ्लाइंग कलर्स के साथ क्लियर करना है, दैट इज विद रैंक आपको क्लियर करके चलना है। तो 1 अगस्त से आप पढ़ाई शुरू करेंगे और आपका जो एग्जाम है आई थिंक 2 नवंबर को है, तो आप मान के चलिए आपके पास 31 अक्टूबर तक का टाइम है। तो मैं इफेक्टिवली अगर बोलूं तो मेरे पास 3 महीने हैं, दैट इज योर 90 डेज है, इफेक्टिवली 90 डेज है, क्योंकि यहाँ पर फेस्टिवल्स भी बहुत आते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। 90 डेज में मान के चलता हूं आप लोगों के पास है पढ़ने के लिए। अब इस 90 डेज के लिए आपको कैसे पढ़कर चलना है? यू हैव बोथ ग्रुप, दैट इज ग्रुप 1 एंड योर ग्रुप। ठीक है जी। अगर मैं सीए आईपीसीसी की बात करूं तो ग्रुप 1 में आपके 4 सब्जेक्ट्स होते हैं और ग्रुप 2 में होते हैं 3 सब्जेक्ट्स। अब सीए इंटर वाले बच्चे इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लेना। मैं सीए आईपीसीसी की बात करके चलता हूँ, सीए इंटर वालों के लिए भी स्ट्रेटेजी बिल्कुल सेम है, बट वो सब्जेक्ट्स की हेर फेर है, वो सब अपने हिसाब से आप मैनेज कर लेना। समझदार बच्चों, अपने आप सारी चीजें कर सकते हैं।
फोर प्लस थ्री दैट इज यू हैव कितने सब्जेक्ट्स, सेवन सब्जेक्ट्स। अच्छा इस वीडियो को देखने से पहले आप लोगों की एक एजम्पशन रहनी चाहिए, क्या एजम्पशन है, मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ आप लोगों की क्लासेस सब खत्म हो गई हो और कोई भी यहाँ पर स्टूडेंट ऐसा नहीं हो जो जॉब में हो या कुछ हो या कॉलेज वॉलेज जाता हो। अगर कॉलेज जाता भी है तो उसको अपने प्लान को मॉडिफाई करके चलना पड़ेगा, कॉलेज से कुछ लीव्स लेके चलनी पड़ेंगी, और अगर ऑफिसेज भी जाते हैं तो वहां से भी आपको लीव लेके चलनी पड़ेगी, और अगर क्लासेस है तो जल्द से जल्द अपनी क्लासेस को कंप्लीट करिएगा तभी ये प्लान आप अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। चलिए तो बोथ ग्रुप्स मिला के आपके पास कितने सब्जेक्ट हैं, दैट इज योर सेवन सब्जेक्ट। करना कैसे है, सबसे पहले तो वो वाला ग्रुप उठा लीजिए, ग्रुप वन ले लीजिए या ग्रुप टू ले लीजिए, वो वाला ग्रुप ले लीजिए जिसमें आपकी कमांड बहुत अच्छी है। भाई जनरली क्या होता है, पढ़ता हर कोई बच्चा है, हर कोई बच्चा पढ़ के जाता है, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जो बिना पढ़े पेपर देने जाता है, मेहनत सब करके जाता है, बट क्लियर नहीं होते, स्ट्रेटेजी खराब है, पढ़ने का तरीका खराब है, मटेरियल अच्छा नहीं है हमारे पास, इसकी वजह से बच्चे फेल हो जाते हैं। वो वाला ग्रुप पहले पिक करिए जहां पर आपकी कमांड अच्छी है। मैं ये मान के चलता हूं फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी ग्रुप टू में कमांड अच्छी है, लेट अस से आपकी ग्रुप टू में कमांड अच्छी है, तो फर्स्ट ऑफ अगस्त से दैट इज योर कल से आपको अपनी ग्रुप टू की पढ़ाई स्टार्ट करनी है। ये बिल्कुल मत कीजिएगा कि एक सब्जेक्ट ग्रुप वन का उठाया, एक सब्जेक्ट ग्रुप टू का उठाया और पढ़ना शुरू कर दिया, गलती हो जाएगी। क्यों गलती हो जाएगी, डेंजर सिचुएशन आ गई, लेट अस से कि भाई आपने एक महीना पढ़ाई करी, बट एक महीना फॉर एग्जाम्पल, भगवान ना करे कभी किसी के साथ ऐसा हो, बट कोई स्टूडेंट अगर बीमार पड़ गया, कोई मेडिकल प्रॉब्लम आ गई उसे, जिसकी वजह से उसको 15-20 दिन का बेड रेस्ट बोल दिया गया, एक महीने का बेड रेस्ट बोल दिया गया, तो अगर वो ग्रुप वन पढ़ रहा है, ग्रुप टू पढ़ रहा है, दोनों के एक एक सब्जेक्ट पढ़ रहा है, तो ना वो इधर करा ना वो उधर करा, एग्जाम में वो अपियर नहीं कर पाएगा। बट अगर ग्रुप एक पे फोकस पहले करके चल रहे हो सकता है अगर उसके बाद में कोई मेडिकल प्रॉब्लम आ गई या कोई भी सिचुएशन आ गई घर पे, कोई भी वर्स सिचुएशन आ गई, तो वो एक ग्रुप पे उसकी कमांड अच्छी है तो एटलीस्ट वो एक ग्रुप में अपीयर तो कर जाएगा, उसके पास होने के एक ग्रुप में चांसेस तो बढ़ जाएंगे। तो माय सीरियस एडवाइस फॉर ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स इज स्टार्ट फ्रॉम दैट ग्रुप इन विच यू हैव अ ग्रेट कमांड। जिस ग्रुप में आपकी कमांड अच्छी है उस ग्रुप से आप स्टार्ट कर दीजिए। मान के चलिए ग्रुप टू में कमांड अच्छी है तो गिव फुल 30 डेज टू योर ग्रुप टू, 30 दिन अपने ग्रुप टू को दे दीजिए, फुल कंप्लीट 30 डेज ग्रुप टू को दे दीजिए। और ग्रुप टू में हमारे सब्जेक्ट्स हैं, एडवांस अकाउंट्स है, एक ऑडिट का सब्जेक्ट्स है और एक सब्जेक्ट हमारा आईटी एंड एसएस, ठीक है। तो इन तीन को सब्जेक्ट को हमें पढ़ के चलना है 10 डेज पर सब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट में कितने दिन देने हैं हमें, 10 दिन देके चलने हैं। लेट अस से भाई 10th अगस्त तक मैंने अपना एडवांस अकाउंट कंप्लीट किया, 10th अगस्त तक मैंने अपना पहला सब्जेक्ट दैट इज योर एडवांस अकाउंट को कंप्लीट किया, तो 80% टाइम यू हैव टू डिवोट फॉर योर मेन सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट That is your advance account, and 20% time you have to devote for your additional subject. Additional subject जो आप इसके बाद start करने वाले हो वो आपकी choice का हो सकता है। Let us say आप advance accounts के बाद audit start करना चाहते हो तो आप audit को 20% time दे दो, ITSM start करना चाहते हो तो ITSM को 20% time दे दो। यहां मैं आपको recommend करूंगा कि वो वाला subject को time दो, वो वाले सब्जेक्ट को टाइम दो जिसमें आपको डर लगता है। लेट अस से किसी स्टूडेंट को ऑडिट के सब्जेक्ट में डर लगता है तो वो 20% टाइम ऑडिट को दे देगा तो वो ऑडिट पे ज्यादा टाइम डिवोट करेगा एज कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स, उसकी ऑडिट में जो डर था वो खत्म हो जाएगा। तो आपने जब 10 डेज का प्लान बनाया तो 10 डेज के प्लान में आपको 80% टाइम आपको डिवोट करना है अपने मेन सब्जेक्ट पे, 20% टाइम आपको डिवोट करके चलना है अपने एडिशनल सब्जेक्ट। इज दैट क्लियर, पहली चीज तो ये, तो ये आपका फुल 30 डेज का प्लान हो जाएगा, तो यानी कि 31st अगस्त तक यू विल कंप्लीट योर ग्रुप टू। अच्छा सर करना कैसे है, मान लीजिए आपने 10th अगस्त तक आपने एडवांस अकाउंट सोचा था, तो 10th अगस्त के बाद अगर आपका एडवांस अकाउंट बचा भी है तो उसको वहीं पर छोड़ दीजिए
उसको दोबारा नहीं उठाना, आपको 11th ऑफ अगस्त से अपना नया सब्जेक्ट स्टार्ट करना है जो आप सेकंड नंबर पे करना चाहते हो, और उसके साथ आप एक एडिशनल सब्जेक्ट को जोड़कर चलिए। अब इससे क्या होगा भाई, फर्स्ट 10 डेज, जो हमारे फर्स्ट 10 डेज आएंगे, पहले 10 डेज के ब्लॉक में आपने एडवांस अकाउंट्स किया प्लस आपने 20% पोर्शन ऑडिट का किया, तो कुछ टाइम आपने ऑडिट में डिवोट किया और कुछ टाइम आपने अकाउंट्स में डिवोट किया। सेकंड 10 डेज में जो आपका यहां पर एडिशनल सब्जेक्ट था इसको मेन बना दीजिए, दैट इज योर ऑडिट पे टाइम डिवोट कीजिए, प्लस आपको एडिशनल रखना है आईटीएसएम को। और जो आपका थर्ड 10 डेज में जो यहां पर आपका एडिशनल सब्जेक्ट था उसको मेन बना दीजिए, दैट इज योर आईटीएसएम। तो सर एडिशनल में क्या रखें, एडिशनल हो सकता है आपका कुछ टॉपिक अकाउंट्स के रह गए हो तो अकाउंट्स उठा लीजिए, हो सकता है कुछ टॉपिक आपके ऑडिट के रह गए हो तो ऑडिट उठा लीजिए। इसके हिसाब से अगर आप करके चलेंगे तो आपका श्योर शॉट 31 अगस्त तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अब पढ़ना कैसे है, जो भी सब्जेक्ट आप उठाएंगे उसके छोटे छोटे टॉपिक्स पहले उठा लीजिए। लेट अस से अगर मैं अकाउंट्स की बात करूं तो अकाउंट्स में छोटे छोटे टॉपिक, एडवांस अकाउंट्स की अगर मैं बात करूं तो एडवांस अकाउंट्स में छोटे छोटे टॉपिक्स अगर मैं बात करूं, लेट अस से एएस हो गया, हमारे कुछ एएस हैं, लिक्विडेशन का एक चैप्टर बनता है, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस कंपनी हो गया, डिपार्टमेंटल अकाउंट्स हो गया, मतलब ऐसे छोटे छोटे चैप्टर आप पहले उठा लीजिए। और बड़े बड़े चैप्टर लाइक योर पार्टनरशिप ब्रांच हो गया, अमेलगमेशन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ये सब चैप्टर्स आपको बाद में करने हैं। रीजन बिंग, पहले अगर आप छोटे छोटे चैप्टर्स कर लेंगे तो उससे आपका एक तो कवरेज बढ़ती है और ऊपर से कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, मोटिवेशन लेवल भी इंक्रीज हो जाता है। मान लीजिए आपके 10 अगस्त तक करते करते आपका ब्रांच अकाउंट का चैप्टर रह गया। अब आपको पता है कि सर ब्रांच अकाउंट रह गया, 16 नंबर का क्वेश्चन आएगा, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। जब आप आईटीएसएम पढ़ रहे होंगे, याद है पुराने वाला प्लान, आईटीएसएम पढ़ रहे होंगे उसके साथ जो आपको टाइम डिवोट करना है उसमें आप ब्रांच अकाउंट करिए, बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा आपका ब्रांच अकाउंट। सेम अगर ऑडिट में आपके कोई एसेस वगैरह रह गए हैं तो उस एसे को कवर कर लीजिए, बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। तो यहां से क्या होगा, इस स्ट्रैटेजी से आपकी 100% तो कवरेज हो जाएगी, टाइम भी कवर हो जाएगा, तो यानी कि आपने टाइम भी सेव कर लिया और कवरेज भी 100% हो गई। इसे ही बोलते हैं स्मार्ट स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी बच्चे अडॉप्ट नहीं करते, इसकी वजह से क्या हो जाता है, फेलियर उन्हें देखना पड़ता है। ठीक है जी, ये तो थी हमारी 31 अगस्त तक की बात। ठीक है जी, अब आता है 1 सितंबर से 30 सितंबर तक आपको क्या करना है, यू हैव टू कंप्लीट योर अनदर ग्रुप, दैट इज योर ग्रुप 1, एज पर माई प्लान ग्रुप 1 आपको फॉलो करना है, और बिल्कुल सेम स्ट्रेटेजी आपको अडॉप्ट करनी है, सेम स्ट्रेटेजी जो आपने फर्स्ट मंथ की स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करी थी वही स्ट्रेटेजी आपको ग्रुप 1 में भी अडॉप्ट करके चलनी पड़ेगी, तभी आप 1 महीने में अगले ग्रुप को भी कंप्लीट कर लेंगे। और यहां पर क्या होता है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है प्रेशर भी इंक्रीज होता है, और प्रेशर इंक्रीज होगा तो जिस चीज से हमें डर लगता है हम वो पहले ही कराएं। अब यहां पर जब प्रेशर का टाइम बढ़ जाएगा, आपको पता है कि ग्रुप 1 में पहले भी पढ़ चुका हूं, आपको घबराहट नहीं होगी। स्ट्रेस प्रेशर हम लोग खुद अपने लिए क्रिएट करते हैं, कोई एक्सटर्नल फोर्स हमें कभी भी अफेक्ट नहीं कर सकती, अगर हम खुद ही स्ट्रेस और प्रेशर को नहीं लेंगे तो, उससे फाइट करेंगे, उसे लड़ेंगे तो। तो ये स्ट्रेस और प्रेशर आप लोग खुद ही अपने लिए क्रिएट कर देते हो, तो मैं आपको जो स्ट्रेटेजी दे रहा हूं इससे आपका स्ट्रेस और प्रेशर बिल्कुल भी नहीं रहेगा। इज दैट क्लियर, बताइए बच्चों क्लियर हुई है बात। ओके जी सर, यहां पर आए सितंबर की तक, अब आता है सर जो अक्टूबर का महीना है, अक्टूबर के महीने में आपको क्या करना है, ओनली एंड ओनली रिवीजन, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करनी है, रिवीजन करके चलनी है, ओनली एंड ओनली रिवीजन। अब रिवीजन कैसे करनी है, रिवीजन में आपको जो फर्स्ट 10 to 15 डेज होंगे इसमें आपको ऑल सब्जेक्ट्स को क्या करना है, रिवाइज करना है। ऑल सब्जेक्ट्स को आप लोग क्या करिए, रिवाइज करिए। सर 15 दिन में सारे सब्जेक्ट हो जाएंगे रिवाइज, बिल्कुल जी, आपको पढ़ना क्या है, कंसेप्ट पढ़ना है, प्लस
अगर आपको कोई क्वेश्चन में डिफिकल्टी आती है तो वो क्वेश्चन देख लीजिए, दैट्स इट। साथ साथ आरटीपी सॉल्व कर दीजिए। आरटीपी कौन सा, जो नवंबर 18 का भी रिलीज करेंगे इंस्टीट्यूट आरटीपी, वो वाला आरटीपी सॉल्व कर दीजिए। और 15 तारीख के बाद आपको अपने 14 डेज ऐसे निकाल के चलने हैं जैसे कि आपके एग्जाम स्टार्ट हो गए हो, एग्जाम आपके स्टार्ट हो गए, बिल्कुल एग्जाम सिचुएशन में अपने आपको बिठा लीजिए। अपना खुद का एग्जाम का टाइम टेबल बनाइए कि भाई वही पहले अकाउंट्स का पेपर, फिर एक छुट्टी, फिर जो भी है लॉ का पेपर, फिर एक छुट्टी, फिर आपका कॉस्ट एफएम का पेपर, फिर एक छुट्टी, फिर टैक्स का, फिर एक छुट्टी एडवांस अकाउंट, फिर एक छुट्टी ऑडिट, फिर एक छुट्टी आईटीएसएम। ऐसे आप अपने डेट शीट खुद बनाकर चलिए। और इंस्टीट्यूट का जो मॉक टेस्ट पेपर निकलता है नवंबर 18 का, उसको एग्जाम सिचुएशन में सॉल्व करिए। 3 घंटे का अपने आपको टाइम दीजिए एज इफ यू आर अपियरिंग फॉर एग्जाम। इसे बोलते हैं हम वो स्ट्रेटेजी जो कि क्रिकेटर्स अपनाते हैं वर्ल्ड कप में। वर्ल्ड कप देखा होगा आप लोगों ने, बिल्कुल। वर्ल्ड कप में क्या होता है, वर्ल्ड कप में फाइनल होने से पहले क्या होता है, क्वालिफायर्स होते हैं मैच। क्वालिफायर्स में क्या होता है, उनकी प्रैक्टिस होती है कि भाई जो क्वालिफाई कर गया वही आगे बढ़ेगा। तो अगर आप यहां पर क्वालिफाई कर गए तो आपका मेन एग्जाम जो है वो क्या हो जाएगा, 100% क्लियर हो जाएगा। जो दिक्कतें आप फेस करते हैं एग्जाम डे में, वो आप यहां पर क्या कर लेंगे, उसको पहले ही फेस कर चुके होंगे, वो दिक्कतें आपको आगे फेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इज दैट क्लियर? दिस इज व्हाट आपका 3 महीने का कैसे आपको प्लान बनाकर चलना है। दूसरी जो चीज आती है फेलियर की, वो क्या होता है, इग्नोरेंस ऑफ आईसीएआई मटेरियल। इग्नोरेंस ऑफ आईसीएआई मटेरियल, इंस्टीट्यूट के मटेरियल को हम क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। हमने जहां से कोचिंग ली उसकी बुक को, उस ऑथर की, उस टीचर की किताब को हम आंख बंद करके पढ़ के एग्जाम में चले जाते हैं, ये देखते ही नहीं इंस्टीट्यूट की किताबें क्या कह रही हैं, इंस्टीट्यूट क्या कह रहा है, इंस्टीट्यूट किस टाइप के आंसर्स मांग रहा है। दिस इज द रीजन फॉर योर फेलियर, यही रीजन रहता है फेलियर का। तो मैं यही आपको रिकमेंड करूंगा कि आईसीएआई का स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस मैनुअल, आरटीपी एटलीस्ट 4 अटेम्प्ट्स की, 4 अटेम्प्ट्स की अगर मैं बात करूं तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम मई 17, नवंबर 17, देन मई 18 और नवंबर 18 जो लास्ट 1 मंथ में करेंगे वो वाली, ये 4 आपको आरटीपीस करनी है। आईसीएआई के मॉक टेस्ट पेपर रिलीज होते हैं, एक मॉक टेस्ट पेपर तो आपको आईसीएआई की वेबसाइट पे मिल जाएगा। वेबसाइट कौन सी, icai.org, अभी मैं आपको लाइव भी दिखा देता हूं वो। प्लस एक मॉक टेस्ट पेपर जो है वो आपको कहां मिलेगा बताइए जी, वो आपका नवंबर 18 के जो एग्जाम होंगे उससे पहले रिलीज होगा, जो आपको लास्ट 1 मंथ में एग्जाम सिचुएशन में अपीयर करके चलना पड़ेगा। फिर कुछ इंस्टीट्यूट अपने सजेस्टेड आंसर्स भी देती हैं, उस आंसर्स को भी देखना है। उस आंसर से आपको क्या मिलेगा, हाउ टू राइट योर आंसर्स, कि इंस्टीट्यूट किस टाइप के आंसर्स को मार्क्स देता है, वो सजेस्टेड आंसर से आपको पता लग जाए। इज दैट क्लियर? बोलिए बच्चों, क्लियर हुआ? यस सर, ये क्लियर हुआ। तो ये चीज आपको साथ साथ करके चलनी पड़ेगी। अच्छा, इन चीजों को करना कैसे है, ये चीजें स्टडी मटेरियल पीएमआरटीपी एंड पर मत छोड़िएगा। जो भी आप पढ़ रहे हैं, जब भी आप पढ़ रहे हैं, लेटर से जो मैंने यहां पर डिस्कस किया था आपके साथ, जो स्ट्रेटेजी आपकी थी, लेटर से आपका ये वाला जो हमने प्लान डिस्कस किया था पहले महीने का, अगर आप लिक्विडेशन का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो लिक्विडेशन के क्वेश्चन को आप अपने कंसेप्ट रजिस्टर में देखिए, अपनी ऑथर की जो बुक रेफर कर रहे हैं उसमें देखिए, साथ साथ आईसीए का स्टडी मटेरियल, पीएम, आरटीपी, मॉक टेस्ट पेपर, जहां जहां से आप लोग कवर कर सकते हैं वहां पर साथ साथ कवर करके चलिए। साथ साथ कवर करके चलेंगे तो आपका कवरेज हो जाएगी। अगर आपने बाद के लिए छोड़ दिया तो समझ लेना बाद कभी नहीं आता। अगर हमने ये सोच लिया कि मैं बाद में ये चीज करूंगा, बाद में पीएम करूंगा, तो समझ लीजिए यू आर गॉन, बाद में वो कभी टाइम पीरियड नहीं आएगा, आप वो चीज कवर छू भी नहीं पाएंगे। अब सर इसको करें कैसे, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करेगा, इसके लिए आपको क्या करना है, एक चेकलिस्ट बनानी है। जब मैं पढ़ा करता था तो मैं एक चेकलिस्ट जरूर बनाता था। कैसी चेकलिस्ट बनाता था, एक्सेल शीट्स पर बना लीजिए या फिर आप अपनी नोटबुक पे भी बना सकते हैं। ऐसी चेकलिस्ट बनाइए, ऐसे कॉलम्स दीजिए, कैसे कॉलम देने हैं,
इस वीडियो को देखने के बाद आपको यू हैव टू डिवोट योर टाइम दैट इज 3 आवर्स, क्योंकि ये जो काम है ये मेहनत का काम है, टाइम डिवोट करना पड़ेगा आपको, कम से कम 3 घंटे आपको लग जाएंगे। तो 3 घंटे डिवोट कीजिए सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट की, थ्योरी को इग्नोर नहीं करना। थ्योरी सब्जेक्ट्स की भी चेकलिस्ट बनेगी, प्रैक्टिकल की भी चेकलिस्ट बनेगी, हर सब्जेक्ट की आपको चेकलिस्ट बनानी है। चेकलिस्ट में क्या करना है आपको, यहाँ पर कंटेंट लिखना है सबसे पहले। कंटेंट कैसे कि भैया हमारा कंटेंट क्या है, आधे लोगों को तो यही नहीं पता होता कि हमारा कंटेंट क्या है। अभी मैं बहुत स्ट्रेंज हुआ, एक स्टूडेंट से मेरी बात हो रही थी, उसको यही नहीं पता था फुली की कंटेंट क्या है, उसने कभी आज तक इंस्टीट्यूट की साइट को विजिट नहीं किया। आई एम रियली सरप्राइज्ड, और मुझे बहुत दुख भी हो रहा था इस चीज को देखकर कि ये हो क्या रहा है, हम आईसीए के मटेरियल को इतना फुली इग्नोर कर देते हैं, बिल्कुल गलत है। और मैं ये भी सरप्राइज हूं कि जिस कोचिंग में वो पढ़ा है, क्या उन कोचिंग वालों ने उसको बताया नहीं कि आईसीए का मटेरियल पढ़ना है, आईसीए की वेबसाइट क्या है, क्या क्या हो रहा है इस दुनिया में, आई डोंट नो। बट जो मैं बता रहा हूं आप उस चीज को फॉलो कीजिए, अपना कंटेंट देखिए फ्रॉम आईसीएआई'स साइट, आईसीए की वेबसाइट पे अपना सिलेबस तो देख लीजिए कि आईसीए के हिसाब से आपका सिलेबस क्या है, उस कंटेंट को यहां पर नोट करके चलिए। फिर यहां पर बनाइए कि कंसेप्ट, कंसेप्ट के बाद ऑथर की बुक, जो भी आप पढ़ रहे हैं, स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस मैनुअल, आरटीपी है तो आरटीपी के सब पार्ट्स बनाइए, आरटीपी मे 17, नवंबर 17, मे 18, ये 3 ही बनेंगी, बाकी तो आप बाद में करेंगे। प्रैक्टिस मैनुअल हो गया, मॉक टेस्ट पेपर हो गया, और सजेस्टेड आंसर जो भी आप देखना चाह रहे हैं। वैसे सजेस्टेड आंसर पास जो आंसर होते हैं वो हमारे प्रैक्टिस मैनुअल में ही कवर होते हैं, बट कुछ पास 2-3 पेपर्स होते हैं जो हमें नहीं मिलते पीएम में, तो वो हम यहां से देख सकते हैं। यहां पर आपकी चेकलिस्ट बन जाएगी। लेट अस से फॉर एग्जांपल हम लिक्विडेशन की बात कर रहे थे, लेट अस से हमारा लिक्विडेशन चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, लिक्विडेशन, ठीक है। लिक्विडेशन में हमारा जैसे ही कंसेप्ट कंप्लीट हुआ टिक लगा दीजिए, ऑथर की बुक के क्वेश्चन कवर हुए टिक लगा दीजिए, स्टडी मटेरियल में 2 क्वेश्चन थे कर लिया, प्रैक्टिस मैनुअल में 3 क्वेश्चन थे कर लिए, आरटीपी मई 17 में कोई क्वेश्चन नहीं था छोड़ दीजिए, नवंबर 17 में 1 क्वेश्चन था कर लिया, मई 18 में 1 क्वेश्चन था कर लिया, मॉक टेस्ट पेपर में 1 क्वेश्चन था कर लिया, सजेस्टेड आंसर में जो जो क्वेश्चन थे कर लिए। यहाँ क्या होगा, यहाँ पर आपकी 100% साथ साथ कवरेज होती चली जाएगी सब्जेक्ट वाइज। जैसे जैसे आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसकी चेकलिस्ट को उठाइए और देखिए कि आप कहां पर पहुंचे हैं, यहां से आपकी क्या हो जाएगी, 100% कवरेज होनी शुरू हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड योर स्मार्ट स्ट्रेटेजी, स्मार्ट प्लान, और यही आपको करके चलना है, और इसी के साथ आप अपनी रैंक भी लेकर आ सकते हैं। मान लीजिए मेरी बात, बिलीव इन मी और बिलीव इन योर सेल्फ, मुझ पर विश्वास कीजिए, अपने आप पर विश्वास कीजिए, आप इसी स्ट्रेटेजी से रैंक लेकर आ सकते हैं। इज दैट क्लियर? हाँ जी, चलिए जी। तो ये सब कुछ बातें थी कि हमें कहां से पढ़ना है, कैसे अपने टाइम को यूटिलाइज करना है, एंड ऑल। अब हमारा जनरली एक टाइम टेबल क्या होना चाहिए, मैं आपको एक जनरल टाइम टेबल दे रहा हूं जो होना चाहिए, जो मैं फॉलो करता था, ये आप अपने हिसाब से मॉडिफाई करके चल सकते हैं, बट दिस टाइम टेबल इज योर परफेक्ट टाइम टेबल। सबसे पहली चीज, कुछ बच्चे सुबह पढ़ते हैं और कुछ बच्चे रात के पढ़ने के होते हैं। जो रात में पढ़ने वाले हैं वो कोशिश कीजिए कि मॉर्निंग में पढ़ना स्टार्ट करिए, क्योंकि रात को क्या होता है, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। लाइक फेसबुक खोल लीजिए रात को, कोई ना कोई ऑनलाइन मिल जाएगा, व्हाट्सएप देख लीजिए कोई ना कोई ऑनलाइन मिल जाएगा, बट सुबह 4 बजे कोई भी ऑनलाइन नहीं मिलेगा। तो आपको सुबह पढ़ने की हैबिट अपने अंदर डालनी पड़ेगी। एंड फॉर गॉड सेक, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, अवॉइड सोशल नेटवर्किंग साइट, फेसबुक, व्हाट्सएप बिल्कुल खत्म कर दीजिए अपने मोबाइल से, उस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दीजिए। म्यूट करने से कुछ नहीं होगा, उस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दीजिए, क्योंकि अगर वो एप्लीकेशन रही तो हम कभी ना कभी उसको ओपन कर लेंगे, और जहां हमने ओपन किया हम अपने प्लान से डेविएट हो जाएंगे, अपने गोल से डेविएट हो रहे हैं, तो उसको बिल्कुल क्या कर दीजिए, अनइंस्टॉल कर दीजिए। सिर्फ और सिर्फ आपको कौन सी एप्लीकेशन अपने फोन में रखनी है, दैट इज योर यूट्यूब। अब यूट्यूब में इसलिए नहीं कह रहा कि आप उसमें गाने सुनेंगे, मूवीज देखेंगे, फालतू की वीडियोस देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वॉच ओनली वीडियोस, स्टडी वीडियोस,
जो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड है वो ही वीडियोस आप लोग देखिए। फॉर एग्जाम्पल हम अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, अकाउंट्स में डिसोल्यूशन का चैप्टर है, डिसोल्यूशन में एक टॉपिक आता है पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन। जब हमने किसी भी टीचर से क्लास ली थी हमें पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन ना तो समझ में आ गया, अब जब मैं खुद उसको रिवाइज करने लगा तो मेरे दिमाग से उड़ गया। होता है ऐसा कि समझ ही नहीं आ रहा क्या करें, अब हम उस टीचर को फोन नहीं बुला सकते, 200 से पूछ रहे हैं वो हम नहीं पूछना चाहते, हम क्या करें। बेस्ट वे इज योर व्हाट, यूट्यूब। आजकल यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है, कोई भी कॉन्सेप्ट डाल दीजिए आप, जस्ट टाइप कीजिए पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन इन डिसोल्यूशन, आपको कोई ना कोई वीडियो मिल जाएगी, 15-20 मिनट की वीडियो है, स्टडी कीजिए, काम खत्म। तो ये ऐप आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगी, किस लिए, आपकी पढ़ाई में। और सिर्फ इस ऐप को आपको यूज करना है स्टडी वीडियोस देखने के लिए, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं करना। ये नहीं कि 3-3 घंटे की मूवीज देख ली, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब टाइम टेबल क्या रहना चाहिए, टाइम टेबल रहना चाहिए भाई 4 से 4:30 के आसपास आप उठिए, देन फ्रेश फ्रेश होके 5 to 8 को आपको पहला स्टडी पीरियड देना, स्टडी पीरियड 1। उसके बाद 8 to 9 यू हैव टू रिलैक्स, इसमें आप नहाइए धोइए, ब्रेकफास्ट वगैरह कीजिए, ये सब कीजिए। फिर 9 to 12 आपको स्टडी पीरियड 2 देना है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, 12 बजे तो पढ़ने बैठते हैं, और जब बच्चे जो बच्चे 12 बजे पढ़ने बैठेंगे उससे कंपेयर कीजिएगा अपने आप को, 6 घंटे की आप पढ़ाई पहले ही कर चुके हैं, ठीक है जी। तो 9 से 12 का एक स्टडी पीरियड दे दिया, फिर 12 से 1 आपने लंच वंच किया, घर वालों के साथ बैठे, थोड़ा अपने आप को रिलैक्स किया, 1 से 2:30 बजे तक आप 1.5 घंटा स्लीप, सो जाइए। सोने का मतलब सो जाइए, नो टीवी, टीवी नहीं देखना, मोबाइल नहीं चलाना, कुछ भी नहीं करना, गाने नहीं सुनने, कुछ नहीं करना। आपको इस पीरियड में सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सोना है। फॉर एग्जाम्पल हमने टीवी चला लिया, टीवी से आंखों पे स्ट्रेन पड़ता है, आगे पढ़ने में आपको दिक्कत होगी, तो यहां पर आप क्या कीजिए, सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप 2:30 बजे जब उठेंगे तो 2:30 से लेकर 5:30 बजे तक आपको स्टडी पीरियड 2 देना है, स्टडी पीरियड सॉरी 3 देना है। देन 5:30 to 6:30 आपको क्या करना है, अपने आप को अपना माइंड रिलैक्स करना है। माइंड रिलैक्स के लिए आप क्या कर सकते हैं, यू कैन वॉक, आप घूमने जा सकते हैं, घूमने कहाँ, पार्क जा सकते हैं, यानी कि कहीं मूवी देखने चले गए, पार्टी में चले गए, जी नहीं, पार्क चले जाइए, किसी अपने फ्रेंड से बात करनी है, फ्रेंड से मिलने जाना है, वहां चले जाइए, जिम ज्वाइन करेगा जिम चले जाइए, स्विमिंग ज्वाइन करेंगे स्विमिंग करने चले जाइए, वो चीजें कीजिए जिससे आप रिलैक्स फील करते हैं। क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट खेलने चले जाइए, मेडिटेशन करिए 10-15 मिनट, मतलब वो चीजें करनी है जहां से आपको क्या मिलता है, रिलैक्स फील होता है, सिर्फ आपको वो चीज करनी है। इज दैट क्लियर। उसके बाद जब आप वापसी आएंगे 6:30 to 8:30, देन आपको स्टडी पीरियड 4 एंड देन 8:30 to 9:30 तक आपको डिनर करना है, एंड देन 9:30 to 10 आपको प्लानिंग करनी है फॉर नेक्स्ट डे, अगले दिन की आपको प्लानिंग करनी है कि अगले दिन मेरे को क्या करना है, उसकी प्लानिंग करनी है आधा घंटा। एंड 10 बजे आप सो जाइए। तो इफेक्टिवली अगर हम देखें 10 से 4, 4:30 तक, तो 6, 6:30 घंटे आप यहां पर सो लिए, 1.5 घंटा आप दिन में भी सो लिए, तो आपने कितनी देर की स्लीप ले ली, 7.5 से 8 घंटे की स्लीप, इससे ज्यादा स्लीप की जरूरत ही क्या है। दैट्स इट। तो यहां पर आपने पढ़ाई के लिए कितना टाइम दिया, 11 आवर्स की स्टडी आपने यहां पर दे दी, 3 घंटे के 3 स्लॉट और 2 घंटे का 1 स्लॉट, 11 आवर्स। और 11 आवर्स को कैसे डिवाइड किया आपने, 9 आवर्स तो आपको अपने मेन सब्जेक्ट पे देने हैं, और जो 2 आवर्स थे बैलेंस, उस 2 आवर्स में आपको अपना एडिशनल सब्जेक्ट करना है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था। इज दिस क्लियर टू यू, बताइए ये चीज क्लियर हुई आप लोगों को, दिस मस्ट बी योर स्टडी प्लान, इज दैट क्लियर। चलिए अब एक छोटी सी चीज मैं डिस्कस कर रहा हूं, जो हमने लास्ट का टाइम पीरियड दिया था, लास्ट का 1 मंथ, दैट इज योर अक्टूबर का मंथ था, उसमें जब आप मॉक टेस्ट पेपर करेंगे, उसमें जब आप मॉक टेस्ट पेपर करेंगे उसको इवेलुएट भी खुद ही करना है। लेट अस से आपने 14 से शुरू करें,
और 25 तारीख तक, सॉरी 11 से शुरू करें और 25 तारीख तक आपने सारे पेपर्स कर लिए, 26, 27, 28, ये 3 दिन दीजिए और अपने पेपर्स को क्या कीजिए, इवेलुएट कीजिए और अपनी प्रॉब्लम एरियाज को आइडेंटिफाई कीजिए। जब इंसान खुद ही अपनी चीजों को इवेलुएट करता है, आंसर्स आपके पास होंगे, जब इंसान खुद ही अपनी गलतियों को निकालता है तो वो गलतियां वो दोबारा रिपीट नहीं करता। भाई मैं अपने आंसर्स खुद चेक करूंगा तो मुझे पता है कि हाँ यार ये चीज गलत मैंने कर दी, इसको मैंने आंसर देगा, हाँ ये एरिया है मेरा ऐसा जहां मैं गलती कर रहा हूं, तो मैं कोशिश करूंगा कि ये गलती मैं दोबारा रिपीट ना करूं। 3 दिन दीजिए आप इसको आराम से, अपनी गलतियों को देखिए और उसी चीज को तभी के तभी क्या कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। तो ये गलतियां आपकी क्या नहीं होंगी, रिपीट नहीं होंगी। 28 तक मैंने आपको बताया, उसके बाद जो हमारे 4 दिन बचे, 29, 30, 31, 1, ये 4 दिन आप ऑब्वियसली फर्स्ट सब्जेक्ट की तैयारी करेंगे, दैट इज योर अकाउंट्स की। इज दैट क्लियर? तो ये देखिए आप इस प्लान में हमने क्या किया, 100% कवरेज दे दी, कोई भी स्कोप नहीं छोड़ा कि हमारी ये चीज रह गई, सब कुछ हमने यहां पर क्या कर लिया, कवर कर लिया। इज दैट क्लियर टू यू? एंड लास्ट पॉइंट आता है सर, वो जो एक दिन मिलता है एग्जाम डे से पहले, उस दिन पे क्या करना है, एक दिन पे जो कयामत की रात जिसे हम बोलते हैं, उस एक दिन को हमें क्या करना है, वो एक दिन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कैसे? जिस दिन हम पेपर दे के आए, भाई 2 से 5 के हमारे पेपर टाइमिंग थी, जो जिस दिन हम पेपर दे के आए तो 5 बजे जब हम आते हैं तो माइंड क्या होता है, बिल्कुल आउट ऑफ सेंटर। 5 to 6:30 या 7 बजे तक आप क्या कीजिए, अपना माइंड रिलैक्स कीजिए। रिलैक्स करने के लिए बेस्ट वे इज योर स्लीप। कुछ नहीं करना, ये नहीं सोचना कि पुराने पिछले पेपर में क्या हुआ, छोड़ दीजिए, भूल जाइए उसको, अलग रख दीजिए पेपर को, बाद में देखा जाएगा जब पेपर खत्म हो जाएंगे। जो पेपर आप करके आए हैं, चाहे आपका अच्छा हो चाहे बुरा हो, उसको उसका इफेक्ट अगले पेपर में नहीं आने देना, ये आपके खुद के हाथ में होता है। अब मुझे पता है भाई अकाउंट्स का पेपर कुछ खास नहीं हुआ, अगला पेपर लॉ का है, बार बार अगर अकाउंट्स को सोचते चले गए तो लॉ का पेपर भी आपने क्या कर दिया, खराब कर दिया। लॉ का पेपर भी क्या किया, खराब कर दिया। वो गलती आपको नहीं करनी कि भाई पहले पेपर का इफेक्ट दूसरे पेपर पे बिल्कुल नहीं आना चाहिए। तो ये जो मैंने टाइम पीरियड बताया, इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ सोना है। भूल के भी किसी फ्रेंड को फोन मत कीजिएगा, किसी टीचर को फोन मत कीजिएगा, ब्लंडर कर लेंगे आप अपने साथ। तो भूल के भी ये चीज आपको नहीं करनी, यहां पर आप सो जाइए और 7 बजे अपना पढ़ाई शुरू कीजिए, 7 से 12, और अगले दिन सुबह 6 या 7 बजे उठिए और नेक्स्ट डे आपको फुल डे पढ़ाई करनी है। और उसका भी नेक्स्ट डे का हमारे पास 2 बजे तक का टाइम पीरियड होता है, तो सिर्फ और सिर्फ 12 बजे तक आपको पढ़ना है अगले दिन। 12 बजे के बाद किताबों को बिल्कुल भी टच भी नहीं करना, माइंड रिलैक्स करना है, अपना लंच करना है और एग्जाम देने जाना है, किसी से फालतू बात नहीं करनी, सिर्फ अपने आप माइंड को शांत रखना है। क्योंकि सीए का एग्जाम बच्चे माइंड का खेल है, जितना आपका माइंड शांत रहेगा उतना अच्छे से आप परफॉर्म करेंगे। माइंड में स्ट्रेस रहेगा, प्रेशर रहेगा, आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। माइंड को शांत रखना बहुत जरूरी है। सर उस एक दिन में हमें पढ़ना क्या चाहिए, उस एक दिन में आपको सिर्फ और सिर्फ हर सब्जेक्ट का कंसेप्ट याद करना है, कंसेप्ट को रीड करना है, प्लस कंसेप्ट के साथ कुछ ना कुछ क्वेश्चन अटैच होगा, वो क्वेश्चन देखिए, प्लस जब भी आप पढ़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम एरियाज निकल के आते हैं। वो प्रॉब्लम एरिया स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिफर करते हैं, किसी को किसी चीज में प्रॉब्लम आती है, किसी के लिए कोई एडजस्टमेंट अलग होती है। अकाउंट्स अगर हम पढ़ रहे हैं तो किसी के लिए कोई पर्टिकुलर एडजस्टमेंट टफ लगती है, किसी को कोई पर्टिकुलर एडजस्टमेंट टफ लग रही है। तो जो एडजस्टमेंट आपको टफ लग रही है उसको आप हाईलाइट कर दीजिए। उस हाईलाइट को आप क्या कर सकते हैं, या तो एक हाईलाइटर की मदद से आप वहीं पर ही उस चीज को हाईलाइट कर दीजिए, या फिर आप क्या कर सकते हैं किसी कंसेप्ट रजिस्टर में उसको लिख लीजिएगा। बट मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा, एक कंसेप्ट रजिस्टर क्या है, टाइम वेस्टेज है, डोंट डू दिस। क्या कीजिए, वहीं पर ही अपनी जो भी नोट्स हैं उसको हाईलाइटर की मदद से वहीं पर ही हाईलाइट कर लीजिए। हाईलाइटर से क्या होगा, जब भी आप पढ़ेंगे आपकी नजर हाईलाइटेड पोर्शन पर सबसे पहले जाएगी, तो आपको पता रहेगा कि हाँ वरुण ये गलती थी, इसको आइडेंटिफाई कर लिया हमने, इसको जरूर देख लियो, गलती ना हो। ये कंसेप्ट रजिस्टर वाला टाइम, इसमें ये भी अच्छी चीज है, कुछ लोग इसको रिकमेंड करते हैं, बट इसमें क्या होता है आपको बहुत सारी चीजें साथ साथ खोलनी पड़ जाती है। एग्जाम डे में आपको सिर्फ एक ही चीज अपने पास रखनी है, दैट इज योर, जिसमें आपके कंसेप्ट लिखे हों, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो, और प्रॉब्लम एरियाज भी अगर आपने वहीं पर ही हाईलाइट करे हुए हैं तो आपको पता है कि भाई एक किताब मेरे को पढ़नी है, दैट्स इट।
क्योंकि कोर्स कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, अगर हम सारी चीजें सारे क्वेश्चंस करने लग गए तो हम वही करते चले जाएंगे, आगे हम बढ़ ही नहीं पाएंगे। इज दिस क्लियर? सो आई होप मैंने सारी चीजें अपने हिसाब से कवर करके चली है आपके साथ। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मैं कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं कमेंट बॉक्स में आप लोगों को आंसर दे दूंगा। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना फोन नंबर ईमेल आईडी दे दूंगा, यू कैन कॉल मी, यू कैन व्हाट्सएप मी, यू कैन मेल मी योर क्वेरी, आई विल डेफिनेटली गिव योर आंसर। Is that clear? हाँ जी, चलिए। So I hope आप इस प्लान को फॉलो करेंगे, मेरी एडवाइस को फॉलो करेंगे। एक चीज और ध्यान रखिएगा, सबकी एडवाइस अलग होती है। अगर आपको मेरा प्लान पसंद आया हो तभी आप इसको फॉलो कीजिएगा, अदरवाइज यू कैन डिलीट दिस। आप किसी अपना खुद का प्लान बना सकते हैं या किसी का भी प्लान फॉलो कर लीजिए, बट फॉलो ओनली वन स्ट्रैटेजी, सिर्फ एक ही चीज को फॉलो कीजिए। अगर आपको मेरी चीज पसंद आई तो सिर्फ मुझे फॉलो कीजिए, अगर आपको किसी और की चीज पसंद आती है तो उसको फॉलो कीजिए। अगर आप किसी की भी चीज पसंद नहीं करते, अपनी खुद की बना सकते हैं, दैट्स वेरी गुड, अपनी चीज को फॉलो कीजिए, बट फॉलो ओनली वन एडवाइस। अगर आपने चार पांच जनों की एडवाइस को मिक्स कर दिया अपने लिए ड्रास्टिक सिचुएशन में, ड्रास्टिक सिचुएशन अपने लिए क्रिएट कर लेंगे। तो ये गलती बच्चे बिल्कुल मत कीजिएगा। Is that clear? हाँ जी, चलिए फिर। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, मैं हूं आप लोगों के साथ, you can discuss it with me, मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा। मेरा ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि CA स्टूडेंट्स को, भले वो IPCC के हो या फाइनल के हो या फाउंडेशन सिक्योरिटी के हो, उनको क्लियर करवा। हाँ जी, चलिए फिर। मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आया इसको लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलेंगे फिर किसी दिन, कोई और एडवाइस लेके आऊंगा आप लोगों के साथ कोई और वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।